करते हैं जरा एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ इफेक्टिव इंडेक्स रूट थ्री। क्या निकालना है आप लोगों को? क्रिटिकल एंगल निकालना है। एक बात हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होता है? वन अपॉन साइन क्या होता है? यस या नो? हमें निकालना क्या है? क्रिटिकल एंगल निकालना है बच्चों। तो क्रिटिकल एंगल ऊपर लेके आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नीचे लेके आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? आवाज नहीं। और वन अपॉइंट थ्री रूट थ्री कितना होता है बच्चों? 1.73। यस या नो बच्चों? चलिए जल्दी समझो, जल्दी समझो। मुझे बताइए कि 1.73 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जीरो पॉइंट फाइव सेवन क्या होती है बेटा? फिर से बोलना एक बार। 0.578 ठीक है ना? अब सुनो बच्चों, 0.57 पे कितना होगा एंगल? अभी क्या था हम लोगों ने? 0.57 पे कितना एंगल होगा? 35। उससे हल्का सा ज्यादा होगा बट आप 35 ही ले लेना आप लोग। टक 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 टक। ठीक है बेटा कृषि? नहीं आपका ठीक है आंसर। आप अगर इसको सिर्फ एग्जाम में अगर इतना छोड़ दिया ना आपने, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.,, तो भी ठीक है आपका आंसर, तो भी ठीक है आपका आंसर, ठीक है ना? तो भी ठीक है आंसर आपका।